ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां थाना अहिरोला क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर हुआ घायल। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां जादू टोने के शक में आरोपी ने की एक युवक की हत्या। साथ ही आगे चर्चा होगी कानपुर नगर की, जहां यौन उत्पीड़न के आरोपी दरोगा व उसके साथी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आजमगढ़ थाना अहिरोला थानाध्यक्ष बीती रात अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक हिस्ट्री शीटर बरुईपुर पुलिया के पास से होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जा रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विश्वास रखते हुए बरुईपुर पुलिया पर पहुंचकर घेराबंदी कर ली, तभी देखा कि एक व्यक्ति वहां दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने का इशारा किया तो पुलिस टीम पर फायर करने लगा, जिसमें पुलिस टीम के जवाबी फायरिंग के उसके पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जिसकी पहचान सलमान पुत्र फिरोज निवासी पीठापुर थाना अहिरोला आजमगढ़ के रूप में हुई है। लगभग 29 मुकदमे में वांछित था। इसके पास से अवैध असलहा व कारतूस भी बरामद हुआ, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया है। कल रात्रि में थाना अहिरोला की पुलिस द्वारा एक कुख्यात बदमाश हिस्ट्री शीटर 50,000 रुपए के इनामिया तथा D218 गैंग के लीडर सलमान पुत्र फिरोज को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 6 फरवरी 2024 को बादी द्वारा आकर तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि सलमान और उसके साथी ने इसकी माता और दादी के नाम पर जो जमीन थी उसको बेनामा करा लिया और उसके ऊपर निर्माण कर रहा है। इस सूचना पर थाना अहिरोला की पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई, पर्याप्त साक्ष्य संकलन किया गया और इसकी विवेचना प्रचलित थी, जिसमें कल रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति, जिसके ऊपर पूर्व से ही 29 मुकदमे दर्ज हैं, काफ़ी कुख्यात बदमाश है, जिसके ऊपर NDPS गैंगस्टर गौवध अधिनियम 7CLA अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं। यह व्यक्ति अन्य किसी घटना करने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना अहिरोला की पुलिस द्वारा नियमानुसार घेराबंदी की गई, जिस घेराबंदी को देखकर पुलिस पर इसमें फायरिंग खोल दी। इसकी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस ने फायरिंग की और जिसमें इसको पैर पर गोली लगी है। इसको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, जिसके पश्चात इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। जादू टोने के अंधविश्वास ने एक बार फिर से हत्या जैसे गंभीर अपराध को जन्म दे दिया है। पूरा मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने एक युवक की हत्या जादू टोने करने की शक में कर दी। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने चंद घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर कार्यवाही करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के DPD खुर्द का है, जहां आरोपी ने टांगी से वार करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी। आज सुबह करीब 7:30 बजे सूचना मिला थी कि एक व्यक्ति की रखा नगरिया की हत्या हो गई है करके। मौके पर पुलिस जाकर तस्दीक की घटना को सही पाया और रखा नगरिया का जो शव था वो रामदेव टोपो के घर के आंगन में था। मौके पर ही पतासाजी करने पर पता चला कि रखा नगरिया जो है झाड़फूँक का काम करता था और रामदेव टोप्पो जो है कल शाम को रखा नगरिया को बुलाकर लाया था झाड़फूँक कराने के लिए। पिछले 2-3 दिन से वह झाड़फूँक करा रहा था। पुलिस जब उसको पकड़ी तब वो अपने मेमोरेंडम में बताया है कि उसको ऐसा प्रतीत होता है हो रहा था कि रखा नगरिया ने ही उसके घर में जादू टोना कर दिया है और रामदेव टोप्पो योजनाबद्ध तरीके से अपने परिवार को 2 दिन पहले ही मायके भेज दिया और लड़के को अपने बड़े भाई के यहाँ सरगांव भेज दिया था और रात में कल शाम को बुलाकर अपने घर में ही रखा, खाना पीना खिलाया और जब रखा नगरिया सो गया था तब उसके टांगिया से मारकर मारकर हत्या कर दी। प्रकरण तो 302 लगा है, बाकी आगे जैसा जाँच में आएगा। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक दरोगा ने अपने ही पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया। इस पूरे मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी दरोगा और उसके साथी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि पूर्व में हरवंश माहौल में
तैनात रहे व वर्तमान में कोतवाली थाना में तैनात दरोगा ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और फिर शादी करने से मना कर दिया, जबकि दरोगा पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी से विवाद चल रहा है। इस मामले में पीड़िता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची थी, तब वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद ACP कोतवाली को जाँच सौंपी गई थी। जांच के आधार पर आरोपी पुलिसकर्मी व उसके साथी पर हरवंश मोहाल थाने में रेप सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में एडिशनल CP हरीश चंद्र ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। बाकी जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कार्रवाई की गई? ये थाना हरवंश मोहाल में एक एप्लीकेशन आई थी एक पीड़िता के द्वारा। ये आरोप लगाया गया था कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो मेरठ के रहने वाले हैं और पुलिस लाइन कानपुर नगर में तैनात हैं, इनके द्वारा जो है उनसे संपर्क किया गया। आपस में इनकी जो है वो साल भर बातचीत रही और उसका आरोप लगाया गया है महिला के द्वारा कि इन्होंने उनका यौन शोषण किया और ये पूर्व में विवाहित हैं। इस पर तत्काल प्रभाव से जो है वो सीनियर ऑफिसर्स जो वहाँ के थे ACP थे, उन्होंने प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया है धारा 376 का, और इसमें जो सब इंस्पेक्टर हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ जो एविडेंस है उसके बेसिस पे जो है वो इसमें कार्रवाई की जाएगी और एविडेंस के आधार पे जो है वो नियमानुसार अरेस्टिंग और अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएगी। प्रार्थना पत्र पहले भी दिया था काफ़ी लंबे समय से, कितना समय क्यों लग गया कार्रवाई करने में? ये चूँकि ACP कोतवाली है वो इस पूरे प्रकरण को स्वयं देख रही थी और उनके द्वारा जो है जो फैक्ट्स थे उसको जब एनालाइज किया गया तो तथ्य सही पाए गए, उसी आधार पर भी पंजीकृत किया गया। कानपुर से सीनियर संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। सूरजपुर के जनपद पंचायत भैयाथान के शासकीय कार्यालयों का कैंपस अब शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जहां कैंपस के कोने में और कई कार्यालयों के पीछे सैकड़ों शराब की खाली बोतलें और अवैध नशीले कप सिरप की शीशियां पड़ी हुई हैं। वहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा शासकीय कार्यालयों के कैंपस को नशे का अड्डा बना लेना और साथ ही कैंपस में कचरे के रूप में शराब और अवैध नशीले सिरप की शीशियां पड़े रहना भी जिम्मेदारों के ऊपर कई सवालों को खड़ा करती है। वहीं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि शासकीय कार्यालयों के पास ऐसे नशेड़ियों का जमावड़ा होना और नशे की बोतलें होने से समाज में गलत संदेश जाता है। वहीं असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने और कार्यालयों के पास पड़े नशीले बोतलों को साफ कराने की प्रशासन से मांग करते नजर आए। वहीं SDM सागर सिंह ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, पुलिस से बात कर असामाजिक तत्वों पर नजर रखकर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कैंपस से सभी नशे के बोतल और शीशियों की सफाई कराने विभागों को निर्देशित किया जाएगा। साथ ही आप लोगों के द्वारा जो आज ये जो बताया जा रहा है, निसंदेह निश्चित ही कहीं ना कहीं अगर शीशी बोतल बरामद हो रहा है तो इससे साफ प्रतीत होता है कि यहाँ पे नशे बाज जो है वो इकट्ठे होते होंगे, शराब पीते होंगे, फेंसिडिल या ड्रग्स वगैरह लेते होंगे। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से शासन से ये मांग है कि जितने भी जो हमारे जो शासकीय स्थल हैं या संस्थाओं के जो कार्यालय हैं, कम से कम आप अगर पूरे भैयाथान को अगर नशे से दूर नहीं कर सकते हो तो कम से कम रात्रि गश्त करा के या एक चौकीदार के माध्यम से कम अपने शासकीय स्थलों में तो शराबखोरी न होने दें, यहाँ कम से कम नशेड़ियों का जमावड़ा न होने दें, ताकि हमारा जो स्वच्छ और सुंदर समाज का जो है वो बरकरार रहे राके और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका प्रयास करना चाहिए ताकि आने जाने वाले लोग जो है उनमें गलत मैसेज ना जाए शासकीय कार्यालयों के लिए। मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली है कि जो ये कार्यालय परिसर है भैयाथान का, उसमें 4-5 कार्यालय संचालित होती है, कार्यदिन समय के बाद रात्रि को असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ आकर नशा पान किया जाता है और उससे जो वेस्ट होता है सीसी बोतल है इधर उधर फेंक दिया जाता है। इसके संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की जाएगी, उनके द्वारा रात्रि गश्त लगाया जाएगा। चूँकि कार्यालय की सुरक्षा के लिए हम लोग को बल उपलब्ध कराने के लिए निवेदन भी किया जाएगा। साथ ही मैं सभी कार्यालय प्रमुख को निर्देशित करना चाहूंगा कि हर कार्यालय में CCTV कैमरा लगाया जाए ताकि कोई भी अप्रत्याशित घटना ना घटे। उसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से और श्रमदान करके सफाई करेंगे और ताकि भविष्य में कोई अच्छी स्थिति रहे। इसमें
ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे सरकारी कार्यालय में जो सीसी बोतल है उसका उपयोग अधिकारी या कर्मचारी करते होंगे, लेकिन ये खाली वीरान क्षेत्र है ये कार्यालय परिसर, तो रात्रि को निश्चित रूप से लोग बाग इधर आके असामाजिक तत्व तो आके नशा पान करते हैं, लेकिन हमारे कार्यालय को सफाई करने की जिम्मेदारी हम हमारी अपनी है। हमारे कलेक्टर सर के प्रयास से सुघर कार्यालय का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम नियमित रूप से हर सप्ताह सफाई करेंगे, श्रमदान करेंगे, और बाकी जितने भी विकास खंड के जितने भी कार्यालय हैं सभी अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि वो भी श्रमदान करें और अपना कार्यालय परिसर को स्वच्छ रखें। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इन दिनों भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, ऐसे में सूरजपुर जिले के विकासखंड भैयाथान के ग्राम पंचायत चुनगड़ी के खोखा पारा में बसे 70 परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं, जहां बीते 20 से 25 दिनों से गांव के हैंडपंप, बोरवेल और कुएं ड्राई हो चुके हैं। ऐसे में दूसरे क्षेत्र के तालाबों से गंदे पानी लाने को मजबूर हैं, जहां कई बार पीएचई विभाग को ग्रामीणों द्वारा समस्या के निराकरण की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभागीय उदासीनता बरकरार है और ग्रामीणों की पानी की समस्या को पहल करते विभाग नजर नहीं आ रहा है। वहीं पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता ने मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि बात कहकर जल निराकरण करने का दावा करते हुए नजर आए। 20-25 रोज से पानी की समस्या है, हैंडपम्प बिगड़ गया है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे एकदम नरक की जिंदगी जी रहे होंगे? जी, तालाब का पानी ला रहे, नहा धो रहे, वहीं पी रहे हैं। कितना आबादी होगा आप लोग के इस पारा का? 70-80 घर होगा यहाँ पे। तो सभी घर का वही हाल है? सबको वही हाल है। तो कोई अधिकारी आप लोग को सुनने के लिए, कोई नेता अधिकारी कोई नहीं कोई आता? नहीं आता यहाँ पे। यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गया है, पानी नहीं मिल रहा है। खाना तो मिल रहा है लेकिन पानी रहेगा तभी ना खाएंगे, सूखे ही थोड़े पड़े रहेंगे। क्या बोलते हैं, बहुत दूर से लाते हैं पानी नहाने के लिए, पीने के लिए, या बच्चों लोग के लिए ले जाना पड़ता है दूर, पानी नहाने के लिए, कपड़ा वपड़ा धोने के लिए। तो बीमार भी पड़ रहे होंगे? बीमार बहुत ज़्यादा पड़े हैं बच्चे लोग। अब सरकार ही कुछ कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। माध्यम से यहाँ पे खबर आई है, अब मैं इसको इंस्पेक्शन कराता हूँ और उसके बाद में देखते हैं। जल जीवन मिशन में पानी टंकी पाइपलाइन का काम तो चल ही रहा है, उसके माध्यम से हम उसमें पानी कैसे पहुँचा सकते हैं। लेकिन भैया थार में भी वैसे भी पानी नहीं, मतलब जो है ना पंप चलाने के लायक नहीं, मिलता नहीं है। रेन नदी में जो है ना ट्रीटमेंट प्लांट भविष्य में बनाया जा रहा है भविष्य के लिए, और संभवतः अगले गर्मी से पहले जो है ना वो काम पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए अभी इसको देखते हैं, आदमी सभीयर को भेजता हूँ, फिर निरीक्षण करते हैं। वैसे भी कई सारे जो पारे टोले हैं भैया थान ब्लॉक के, गर्मी के दिनों में थोड़ा सा परेशानी रहता है, हैंडपम्प की जो वाटर लेवल है कई कई सारे में नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी लोग बाग आस पास के हैंडपम्पों से पानी पीने का इस तरह से व्यवस्था। और बिल्कुल जहाँ पे एकदम ही पानी की समस्या होती है उसके लिए भी आपदा राहत से जो है ना जनपद पंचायत के माध्यमों से ग्राम पंचायत जो है ना वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था, अगर ट्रांसपोर्ट की स्थिति बनती है तो आपके माध्यम से मिला है, तो हम लोग आप देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक बार मेरा आदमी चला जाए, सब इंजर चला जाए, देख ले, और जरूरत पड़े मैं भी विजिट कर लूंगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।